नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले तेजी से कम हो रहे हैं, इसके साथ ही रिकवरी रेट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 12,923 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 108 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 1,08,71,294 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें 1,05,73,372 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना के फिलहाल 1,42,562 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,55,360 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना की रिकवरी दर में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से कुल 11,764 लोग ठीक हो गए हैं। इससे रिकवरी दर 97.26 हो गई है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,051 सक्रिय मामले कम हुए हैं। इससे एक्टिव दर 1.31 रह गई है। भारत की कोरोना मृत्यु दर 1.43% है। कोरोना की जांच का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 20.30 करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच की जा चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बुधवार 10 फरवरी 2021 तक 20,40,23,840 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 6,99,185 टेस्ट कल किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 70,17,114 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें से बीते 24 घंटे में 4,05,349 लोगों को टीका लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।